हमारे YouTube चैनल में आलियन मॉम ब्लॉग्स में आप लोगों का जो है गाइस तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और आप लोगों की दुआओं से हम सब अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आज है फ्राइडे यानी कि जुम्मा, तो और आज जो है हमारे घर में एसी की सर्विस है, फर्स्ट एसी सर्विस जो है होने वाली है। और साथ में जो आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, रेसिपी में आज मैं बनाऊँगी दो प्याज़ा। तो दो प्याज़ा कैसे बनाते हैं चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और पूरा रेसिपी बनाने के बाद जो है आप लोगों से मिलते हैं। तो ही गाइस देखिए कितने अच्छे से जो है एसी की सर्विस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आप लोगों का मैं हमारे यूट्यूब चैनल में आलिया एंड मॉम ब्लॉग्स में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो हे गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ रेसिपी दो प्याज़ा, जिसके लिए मैंने अदरक लहसुन ग्रीन चिल्ली रेड चिल्ली ले लिया है यहाँ पर गाइस। और यहाँ पे मैंने लिया है चार मीडियम साइज़ प्याज जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। साथ में मैं ले रही हूँ दो टमाटर और हम साथ में ऐड करेंगे इसमें दही और थोड़े साबित गरम मसाले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी बनाना। पहले हम ले लिए हैं कुकर जिसमें मैं दो प्याज़ा बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसमें हम तेल ऐड करके प्याज ऐड कर देते हैं और सारे गरम मसाले। तो ये गाइस ये ले लिया है मैंने यहाँ पे गरम मसाला, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा, दो चुटकी मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, एक चुटकी शाहज़ीरा और चार टुकड़े दालचीनी के और छः से सात इलायची और छः से सात लौंग और थोड़ी काली मिर्च और ये स्टार फूल आप लोग देख सकते हैं जिसके दो टुकड़े कर लिए हैं मैंने। तो गाइस इस तरीके से गरम मसाला लिया और यहाँ पर मैंने तीन तेज़पत्ता लिया हुआ है गाइस। तो ये हमारा गरम मसाला है, चलिए इसका हम यूज़ करेंगे जल्दी से। तो हे गाइस में मैंने ऐड कर दिया है तेल, तेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा गाइस अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो गाइस अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सारे गरम मसाले, देख सकते हैं आप लोग तो चलिए गाइस अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज। तो ही गाइस टमाटर को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। तो ही गाइस ये देखिए बस प्याज को हमें और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, चलिए इसमें ऐड कर देते हैं अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। तो ही गाइस चलिए इसमें मैं अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देती हूँ अच्छे तरीके से। गाइस देखिए मैंने इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दिया है गाइस। अब जो है गाइस हम इसमें ऐड कर देंगे ये चॉप किए हुए दो मीडियम साइज़ टमाटर और इसी के साथ साथ जो गाइस हम यहाँ पे 100 ग्राम जो है दही का भी यूज़ करने जा रहे हैं और इसमें ये मैं दही भी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद जो है गाइस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गाइस मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें सिर्फ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी गाइस यहाँ पर मैं। इस तरीके से जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो हे गाइस ये देखिए मसाला मैंने भुना नहीं है, बस उसी मसाले में डायरेक्टली हमें मटन ऐड कर देना है गाइस। तो चलिए सारे मटन जो है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो ही गाइस ये देखिए अभी मैंने इसमें मटन भी ऐड कर दिया है गाइस और अभी जो है अभी हम इसे मसाले के साथ जैसे भुनना वगैरह नहीं है इसे हम पैक कर देंगे और 20 मिनट कुक करेंगे। थोड़ी देर ऐसी 6-7 मिनट चला ना, उसके बाद थोड़ी देर के लिए अंदर का इंडोर का पंखा बंद होता है, आउटडोर चलते रहता है, फिर थोड़ी बाद देर बाद ना चालू हो जाता है, इंडोर का पंखा भी चालू हो जाता है, फिर 2 मिनट के बाद ना ये F0 आ जाता है, पूरा बंद हो जाता है। तो हे गाइस देख सकते हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह एसी की सर्विस जो है हो गई है एकदम अच्छे से परफेक्टली और देख सकती है देखिए कितनी अच्छी शाइन हो रही है गाइस। लोग ने इतने अच्छे से ना इसे वॉश भी किया है देख सकते हैं जैसा कि आप लोग।
और हे गाइस ये देखिए रेडी हो गया है हमारा मटन दो प्याज़ा गर्मा गर्म, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। हम कोथमीर ऐड कर देंगे ऊपर से जिससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। गाइस इसे आप गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, गर्मा गर्म नान, चपाती, पराठा जिसके साथ चाहे गाइस आप सर्व कर सकते हैं। तो हे गाइस चलिए मैं इसे प्लेट्स में निकाल लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए और आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म दो प्याज़ा खाने। वेलकम बैक हो गया आप लोगों का फिर से एक बार। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा दो प्याज़ा मैंने अच्छे से बना लिया है और हम लोग ने उसे जो है गर्म गर्म तंदूरी के साथ खाया है। गाइस आप लोग चाहे तो उसे नान के साथ भी खा सकते हैं और बहुत यम्मी लगा, बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा गाइस। और आप लोगों को कैसा लगा गाइस ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एसी की जो सर्विस है वो भी अच्छे से हो गई है गाइस अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह आप लोगों को। जब तक जो है तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हम सबको याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ गाइस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल।